खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर के चेरी बना नशेड़ियों का अड्डा, हीरोइन व दारूबाजों का लगा रहता है जमावड़ा। मिर्जापुर में अजीत कुमार सिंह अपने अधिवक्ता साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट कंपाउंड परिसर के जिला सहकारी बैंक के बगल में अधिवक्ताओं का चैम्बर है, जहां शाम को दारू व हीरोइन पीने वालों का जमावड़ा लगता है। आए दिन जब हम अधिवक्ता सुबह चैम्बर पर पहुंचते हैं तो मेज पर दारू की बोतल व चफना पड़ा मिलता है, यहाँ तक कि मांस तक रखा मिलता है। जिला सहकारी बैंक के बगल में ही खंडहर होने का फायदा नशेड़ी उठाते हैं। हम अधिवक्ता जब आते हैं तो प्रतिदिन अपने चैम्बर की सफाई करनी पड़ती है। नशेड़ियों की खातिर हम अधिवक्ताओं को अपने वादकारियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और विधि व्यवसाय करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यायालय परिसर में महिलाओं व बच्चों का भी आना जाना बराबर होता है, मजबूर होकर हमें ज्ञापन देना पड़ रहा है। न्यायालय परिसर को सुरक्षित मानकर नशेड़ी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन नशे में होकर ये लोग मारपीट व चोरी की घटना को भी अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि उस प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए जल्द ही इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। मिर्जापुर से सत्येंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आप अपना नाम बताएं। विकास कुमार राय, एडवोकेट जी। जी, आज आप पुलिस अधीक्षक यहाँ आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? हम लोग आज पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए थे। अधिवक्ताओं की एक समस्या थी, हम लोग का चैम्बर बना हुआ है पुलिस अधीक्षक महोदय के जस्ट अपोजिट साइड में, पीछे में, जहाँ पे कचहरी कैंपस के अंदर कुछ नशेड़ी जो हैं, जो हीरोइन बाज हैं, गांजा पीते हैं, हीरोइन पीते हैं, दारू भी पीते हैं, और हम लोगों के चैम्बरों पे आकर के वो जब हम लोग चले जाते हैं शाम के समय 5 बजे के बाद से लेकर सुबह 7-8 बजे तक, उन सबों का इतना उत्पात रहता है कि वहाँ पर चैम्बर पर आकर के बैठ के खाएँगे पियेंगे और तमाम ऐसे गतिविधियाँ वो करते हैं जिससे कि हम लोग को काफ़ी हैरेस होना पड़ता है। वहाँ पे मांस मीट मछली वगैरह वगैरह खा के वहीं गंदगी फैला देते हैं, और हम लोग जब सुबह आते हैं देखते हैं, क्लाइंट हमसे कभी कभी पहले आ जाते हैं, कहते हैं कि वकील साहब, ये सब आप लोग क्या किए रहते हैं, इसको लेकर के हम लोग को काफ़ी मानसिक रूप से झेलना पड़ता है। और कई बार इसका कंप्लेन भी किया गया, उस पर कोई सकारात्मक अभी तक। इसका कंप्लेन आपने कहाँ दी? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी हम लोग कंप्लेन देने के लिए गए थे, तो महोदय संयोग से निकल गए थे और उनके जो PRO वगैरह थे हमने उनको रिसीव कराया और उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से कल आ करके आप सभी लोग यहाँ पर मिल करके उनको एक दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का ये जो हैरेस हो रहे हैं, तमाम प्रकार की जो गंदगियाँ भी फैलाते हैं और इस समय कोविड का भी महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग के सुरक्षात्मक दृष्टि से इसको रोका जाए। थैंक यू।